नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और आप देख रहे हैं अपन झारखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बोकारो में एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, अपराध और नक्सली वारदातों की ली जानकारी। बेहतर काम करने वालों को दिए प्रशस्ति पत्र, लापरवाहों को फटकारा। रामगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, चोरी के गहने और मोबाइल फोन बरामद। पलामू में हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 हाईवा की आमने सामने से भिड़ंत, 1 हाईवा का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर बाजार हुए गुलजार, तिलकुट के लड्डुओं की हो रही खास डिमांड, मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। गढ़वा में संघर्ष पदयात्रा के दौरान चौक चौराहों पर हुआ हेमंत सोरेन का स्वागत, सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हमने संघर्ष के बाद लिया था राज्य, बीजेपी ने जनता का अधिकार छीना। और चतरा में मुफलिसी की जिंदगी जी रही स्वतंत्रता सेनानी की विधवा, रुपयों के अभाव में नहीं करा पा रही इलाज, देश के पहले पीएम पंडित नेहरू ने कराई थी शादी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पलामू से बड़ी खबर के साथ, जहां पर जेजेएमपी संगठन के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर पलामू से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जेजेएमपी नक्सली संगठन के 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से इन नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 4 हथियार समेत जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। डीएसपी मनोज कुमार महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी। ये बड़ी खबर पलामू से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जेजेएमपी संगठन के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से इन नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 4 हथियार और कई जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। ये बड़ी खबर पलामू से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ एक सफलता पुलिस को मिली है। 4 नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, हथियारों के साथ जिंदा कारतूस इन नक्सलियों के पास से बरामद किए गए। डीएसपी मनोज कुमार महतो ने इस बारे में जानकारी मुहैया कराई। जेजेएमपी संगठन से इन नक्सलियों का ताल्लुक है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से इन 4 नक्सलियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। और पलामू से एक और बड़ी खबर, जहां पर सड़क हादसा हुआ है, 2 हाईवा की आमने सामने से भिड़ंत हो गई और टकराकर अनियंत्रित होकर एक हाईवा पलट गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सड़क हादसे की, पलामू में सड़क हादसा हो गया है, 2 हाईवा आमने सामने से टकरा गए, अनियंत्रित होकर एक हाईवा पलट गया, जिसका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल ड्राइवर को डाल्टनगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सड़क हादसा हुआ पलामू में, 2 हाईवा आपस में टकरा गए, आमने सामने से दोनों की भिड़ंत हुई और उसके बाद एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद उस हाईवा को चला रहे ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। डाल्टनगंज अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। ये दर्दनाक खबर है, पलामू में 2 हाईवा की आपस में भिड़ंत हो गई आमने सामने से, जिसमें एक हाईवा का ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, जिसका डाल्टनगंज अस्पताल में इलाज जारी है। तेज रफ्तार का कहर पलामू में देखने को मिला, 2 हाईवा की आपस में टक्कर हो गई, आमने सामने से भिड़ गए, अनियंत्रित होकर एक हाईवा पलट गया, जिसको चला रहा ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। डाल्टनगंज अस्पताल में घायल ड्राइवर को एडमिट करवाया गया है।
उधर पलामू में चलते कंटेनर में आग लग गई। बिजली के तार की चपेट में एक कंटेनर आ गया और उसके बाद इसने आग पकड़ ली। पलामू से एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कंटेनर में आग लगने की यह खबर है। चलते हुए कंटेनर में आग लग गई, बिजली के तार की चपेट में आ गया था और करंट की वजह से इस कंटेनर में आग लगी। चालक की सूझबूझ से लोगों की जान बच गई। चैनपुर थाने से कुछ ही दूरी पर यह हादसा चलते हुए कंटेनर में आग लगने की खबर सामने आई है। पलामू से बिजली के तार के टकराने के बाद कंटेनर में आग लग गई, लेकिन ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाई और लोगों की जान बच सकी। बिजली के तार से यह कंटेनर टकरा गया था। चैनपुर थाने से महज कुछ ही दूरी पर यह हादसा हुआ है। थाने के नजदीक की घटना है, चैनपुर थाने के पास की पूरी घटना है, जहां पर एक चलते हुए कंटेनर में आग लग गई। भीषण आग लगी है, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से लोगों की जान बच सकी। उधर रामगढ़ के पतरातु में बंद घरों में चोरी की वारदात करने वाले एक शातिर चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। ये गिरोह जिले में कई घरों को अपना निशाना बना चुका है और लोग वारदातों के चलते खासे इनसे परेशान चल रहे थे। पुलिस ने गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर इनके पास से चोरी के गहने और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने सतर्कता अपनी मुस्तैदी दिखाई है और चोरी के सामान को भी इन चोरों के पास से बरामद कर लिया है। बड़ी सफलता चोर गिरोह के खिलाफ पुलिस को मिली है। शातिर चोर गिरोह को पकड़ा है पुलिस ने। 5 सदस्य इस चोर गिरोह के पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं। चोरी के गहने और मोबाइल फोन इन लोगों से बरामद किए गए हैं। ये अपने घरों को निशाना बनाया करते थे, घरों में चोरियां किया करते थे बड़े ही शातिराना अंदाज में। काफी दिनों से पुलिस को चोरी की शिकायतें मिल रही थी और पुलिस ने अपने तत्परता दिखाते हुए इन लोगों को धर दबोचा। शातिर चोर गिरोह के 5 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। चार से 5 महीनों में उनमें लगभग लगभग इन्हीं की संलिप्तता मिली है, तो हमें लगता है कि हमें कुछ सफलता मिली है इसमें। उधर बोकारो में अपराध और उग्रवाद की समस्या को लेकर एसपी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएसपी, इंस्पेक्टर और सभी थाना प्रभारियों के अलावा सीआईडी के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में बीते साल हुए अपराध की थाना के हिसाब से समीक्षा की और जिन पुलिस अधिकारियों ने अच्छा काम किया उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं आपको बता दें कि जो पुलिसकर्मी अपने काम के प्रति सजग नहीं पाए गए उन्हें फटकार के साथ साथ काम करने की नसीहत भी एसपी ने दी। कोयला और लोहा से संबंधित टोटल 57 एफआईआर्स हुई है, 2 फैक्ट्री सील हुआ है, 77 लोगों को अरेस्ट करके हम लोग भेजे हैं और टोटल व्हीकल्स करीब 200 के करीब व्हीकल्स हम लोग सीज किए हुए हैं पिछले एक साल में। और इसके अलावा हम लोगों को साइबर क्राइम कोषांग जो है वो गठन हुई है और इम्पोर्टेंट नया तरीके का साइबर क्राइम को ये लोग हम लोग डिटेक्ट कर पाए थे और उस पर भी अंकुश लगा। उधर चतरा शहर के झुमड़ा मोहल्ले में स्थित टीएसपीसी के सेकंड सुप्रीमो मुकेश गंझू और नक्सली जोनल कमांडर विकास गंझू के घर में पुलिस की ओर से कुर्की करने का मामला सामने आया। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रतापपुर के पुलिस निरीक्षक गिरीश दत्त मिश्रा ने बताया कि मुकेश और विकास गंजू के घर से पुलिस ने काफी सारा सामान बरामद किया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इसके अलावा विकास गंजू पर साल 2017 के 3 मुकदमों में कुर्की वारंट जारी है। बता दें कि छापेमारी दल का नेतृत्व प्रतापपुर के पुलिस निरीक्षक गिरीश दत्त मिश्रा ने किया है। तो नक्सलियों के खिलाफ ये सफलता मिली है पुलिस को। मुकेश और विकास गंजू के घर पर पुलिस ने कुर्की की,
दोनों के घर से भारी मात्रा में पुलिस ने सामान भी बरामद कर लिया। 2017 से विकास पर 3 मुकदमे चल रहे थे और अब कुर्की की कार्रवाई को पुलिस ने इनके घर में अंजाम दिया है। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते आगे। बोकारो में पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। बोकारो जिला के अंतर्गत बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो में आईसीआईसीआई बैंक के पीछे किराए के मकान में गोदाम बनाकर अवैध शराब का धंधा चलाया जा रहा था। छापेमारी में एक शख्स को पकड़ा गया, जबकि 2,850 देसी शराब के पाउच और 156 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। अवैध शराब के खिलाफ यह पुलिस की कार्रवाई है। फुसरो से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है पुलिस ने। मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। उधर देवघर के मीना बाजार, टावर चौक और अन्य बाजारों में तिल के लड्डुओं की खासी डिमांड है और लोग पूजा के साथ साथ खाने के लिए भी तिल के लड्डू और तिलकुट की खरीदारी कर रहे हैं। देवघर को देव की नगरी माना जाता है और जितने भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं वो बाबा भोले को समर्पित किए जाते हैं। मकर संक्रांति को भी बाबा भोले की छवि मानकर ही मनाया जाता है। पौराणिक परंपराओं से ही देवघर के स्थानीय लोग सर्वप्रथम मकर संक्रांति में बाबा को दही चूड़ा और तिल के साथ साथ खिचड़ी का भोग लगाते हैं। आपको बता दें कि मकर संक्रांति को लेकर मंदिर और बाजारों में लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा बाबा के जो चढ़ता दही चूड़ा खिचड़ी तिल ये सब जो चढ़ता है बाबा, तो वही लेके हम लोग भी यहाँ देवघर का स्थानीय जो जितना भी हम लोग नागरिक उस हिसाब से हम लोग पर्व यहाँ मनाते हैं। बाबा यहाँ तो कामना लिंग है, यहाँ पे देख ही रहे आप सब चीज़। अगर तिल का आइटम ज़्यादा बाबा को चढ़ता है समझें, जैसे कि काला का तिल हो गया, ठीक है ना, तिलकुट का ज़्यादा मांग होता है देवघर में, ठीक है ना, ये ज़्यादा देवघर में प्रचलित चल रहा है। यहाँ पे डिमांड शहर सबसे पहला तो तिलकुट का, उसके बाद दही का, उसके बाद चूड़ा का, मकई का चावल, तिल मुड़ी का चूड़ा, तिल सब है। उधर गढ़वा में झारखंड के पूर्व सीएम और जाजमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने संघर्ष पदयात्रा के दौरान गढ़देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने संघर्ष के बाद राज्य लिया था और अब अधिकार के लिए भी संघर्ष करेंगे। पदयात्रा के दौरान शहर के सभी चौक चौराहों पर हेमंत सोरेन का फूलों से भव्य स्वागत हुआ। रात्रि चौपाल में सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी यहाँ की जनता का अधिकार छीन चुकी है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के ऊपर हेमंत सोरेन ने निशाना साधा है। संघर्ष पदयात्रा उन्होंने निकाली और अपनी इस पदयात्रा में उन्होंने कहा कि संघर्ष के बाद ये राज्य लिया था और बीजेपी ने लोगों के अधिकारों का हनन किया है, अब अधिकारों के लिए भी हम संघर्ष करेंगे और इसलिए संघर्ष पदयात्रा निकाली गई। बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया हेमंत सोरेन ने। जब पदयात्रा निकाली गई उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना हेमंत सोरेन ने की और जगह जगह फूलों के साथ उनका भव्य स्वागत भी चौक चौराहों पर किया गया। इसका क्या यहाँ जगह है, क्या स्थान पाता है, इसकी तो जानकारी मुझे थी नहीं। और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री की बात है उसकी बात में थोड़ी बहुत बता सकता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी तो पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को अस्वस्थ करते हैं, पूरा स्वास्थ्य विभाग आज बीमार हो चुका है। आप, मैंने कहा और आप इस बात को महसूस।
उधर रांची के बड़ा तालाब ऐतिहासिक 33 फुट ऊंची स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस मौके पर सीएम ने कई घोषणाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इस तरह की प्रतिमा लगाने के पीछे एक ही उद्देश्य है, स्वामी विवेकानंद से हम प्रेरणा ले सकें। सीएम ने कहा, प्रेरणा से समाज की जिम्मेदारी निभा पाना आसान हो सकता है। भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति को पूरी दुनिया में बताने का काम की और भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति को दुनिया से अवगत कराने का। ऐसे महान ऋषि मुनि का आज इस राज्य के राजधानी रांची के सबसे बड़े तालाब में देश का सबसे बड़ा स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण। झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक मंत्रालय से बाहर राजधानी से लगभग 15 किलोमीटर की दूर बायोडायवर्सिटी पार्क में की। इसमें मंत्रिपरिषद ने कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि विधानसभा का बजट सत्र 17 जनवरी से 8 फरवरी तक होगा। इस बैठक में बिहार एवं झारखंड राज्य के बीच पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्वों के बंटवारे के तहत बिहार सरकार को 557 करोड़ 13 लाख रुपए के भुगतान की स्वीकृति के साथ ही कोडरमा में नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना, चाईबासा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लिए 50 करोड़ रुपए समेत सरकारी स्कूल में मिड डे मील पर भी ध्यान दिया गया। झारखंड की किसान महिलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार करीब 30 महिला किसान मित्रों को इजराइल भेज रही है, जिससे झारखंड की कृषि और खेती में बढ़ावा समेत उन्नत तकनीक से खेती हो सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने इजराइल यात्रा से पहले अपने आवास में इन किसानों के साथ बातचीत भी की। सरकार की इस पहल से किसान महिलाओं के चेहरे पर काफी उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नारे की सराहना करते हुए इन महिलाओं से काफी उम्मीद जताई। सीएम ने कहा कि आज महिलाएं किसी से कम नहीं है। हम चाहते हैं कि ये महिलाएं इजराइल से उन्नत और गुणवत्तापूर्ण खेती के तरीके सीखकर झारखंड को विकास की राह पर ले चले। तो किसी से कम नहीं, क्योंकि महिलाएं में सहन शक्ति, महिलाएं में हर चीज की क्षमता, अब उस क्षमता को खाली हमें आगे लाना और उसी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप सबको आज इजराइल भेजा जा रहा है। आजादी के दीवानों के परिवार की ऐसी हालत होगी कि उन्हें एक कंबल के लिए तरसना होगा, ऐसी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। झारखंड के चतरा में स्वतंत्रता सेनानी बख्शी मुसाफिर लाल की विधवा कलावती देवी एक कंबल को तरस रही हैं। एक पखवाड़े से सर्दी खांसी से परेशान है, लेकिन पैसे के अभाव में इलाज तक नहीं करा पा रही। पेंशन के लिए उन्हें इस उम्र में हजारीबाग जाना पड़ता है। परिजन टूटी खपरेल के मकान में रह रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर चंद सामग्री देकर स्थानीय प्रशासन कर्तव्य पूरा कर लेता है। स्वतंत्रता सेनानी का परिवार मजदूरी और मुफलिसी में जीवन गुजार रहा है, सुध लेने वाला तक कोई नहीं। भाई में हलथिन पटना में दो साल रहल थिन जेहर में, जेकर बाद में दिल्ली में भी जेहर में रहल थिन, दिल्ली के जेहर में रहल थिन और हमें फिर वही सब हमार माए बाप कोई भी नहीं। तो फिलहाल अपन झारखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।